आप सबका स्वागत करता हूँ शो में जिसका नाम है कपिल शर्मा शो। जी मैंने मोबाइल की दुकान खोली है। अच्छा? हाँ, क्योंकि सब लोग मोबाइल ले रहे हैं। हाँ। अब मार्केट में चले जाओ, किसी को गाली दे के देखो, कोई नहीं लेगा, मोबाइल सारे ले लेते हैं। पहले फोन सिर्फ बात करने के लिए होता था, आजकल इसके बड़े फायदे हैं। पता है, कल एक आदमी ने मेरे को ऐसे मोबाइल मेरे माथे में मारा। मैंने कहा ऐसे कौन मारता है, पत्थर मारते हैं। उसको मेरा आइडिया बड़ा पसंद आया, उसने मेरे को पत्थर मार दिया। भाजी आपको पता है, जब मेरे घर की घंटी बजती है ना डोरबेल, तो मैं फोन उठा लेता हूँ। बताओ क्यों? तेरे घर की घंटी और मोबाइल की रिंगटोन एक जैसी होगी। नहीं, मेरे को शौक है, जो भी गेस्ट आए मैं उनके साथ सेल्फी लेता हूँ। ये फोन मेरे को बड़ा कंफ्यूज करता है। क्यों? पहले बोलता है बैटरी लो बैटरी लो, मैं इसकी बैटरी लेके आता हूँ, फिर मेरे से बात ही नहीं करता। मैंने इंप्रेस होकर अपना एक फोन बनाया भाजी। अच्छा? हाँ, उसके ऊपर साबुन रखो, ऐसे पानी पानी छन जाता है, ऊपर सिर्फ साबुन रह जाता है। अबे उसको साबुनदानी कहते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं चार्जर क्यों नहीं लग रहा उसमें। ओह माय गॉड। भाजी आपको बताएं, आपके और मेरे लिए फोन यूजलेस चीज है। क्यों? क्योंकि फोन होता है बात करने के लिए। हाँ। आप और मैं बिना फोन के बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे कस्टमर को मत बताना, मेरी सेल कम हो जाएगी। यस, ठोको मोबाइल शॉप। वेलकम वेलकम सेठ साहब, प्लीज कंग्रेचुलेट मी। आज मैंने 25 महीने बाद एक पेशेंट का पेट सक्सेसफुली बंद कर दिया है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब आपको प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? हाँ जी। अब आप सक्सेसफुल हो गए, आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमर आएंगे। आपके पास एक ही बेड है, बेड नंबर 3, तो आपको जमीन पे सोना पड़ेगा। लो भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। अभी तुम्हारी सोच तो बहुत आगे है। सोचने के लिए दिमाग थोड़ी चाहिए होता है, दिमाग तो नंबर डायल करने में लगता है। नंबर डायल करने में तो अंगूठा लगता है। अंगूठा तो बैंक में लगता है। बैंक में तो ATM लगता है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगता है। मुंह तो गर्दन के साथ लगता है। चल डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ क्या लगता है आप बाद में डिसाइड कीजिए, मैं जा रहा हूँ। बस मुझे बता दीजिए कि टांके कटवाने कब आना है। टांका कटता ही नहीं, टांका तो भिड़ता है। फोन आ गया, फोन आ गया। हेलो। ये फोन तो मेरे की घंटी है ना, मेरा फोन किधर गया, मिल नहीं रहा। ओ, रिंगटोन वाला पेशेंट। एक मिनट, बंद हो गया, बंद हो गया। एक मिनट फोन लगाओ, दोबारा लगा। डॉक्टर। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। एक मिनट यार, पकड़ो ये मुंह में डालो, हेडफोन डालो यार मुंह में। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है बहुत ज्यादा। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी माँ। तेरे को मैं बोलता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चप्पू। ए चप्पू, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, बड़े दिन हो गए हमारे घर पे नहीं आए यार, कभी आओ। मैंने नहीं आना, पिछली बार मैं आया था, मेरे को एक्स्ट्रा किडनी लगा दी थी आपने। अब मैं पानी भी नहीं पीता, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, मेरे को नहीं आना। आई हेट यू। अरे उन दोनों में किडनी लगाना सीख रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया। डॉक्टर, हाँ जी, बकवास बंद कर, पहले अपना मोबाइल मेरे पेट से निकाल। अरे तुम अपना मोबाइल मेरे पेट में कैसे भूल सकते हो? एक बात कहूँ, ऐसे लोगों के ऑपरेशन ही ना किया करो जो इतनी गंदी एक्टिंग करते हैं। मैं कौन ही? आचार्य आचार्य यार, तूने पहली बार एक्टिंग की तेरी बजा दी यार उसने। इसने 4 एपिसोड की कठी एक्टिंग कर दी, प्रॉब्लम ये है। अरे भाई, मैं तुम्हारे पेट में मोबाइल भूला नहीं हूँ, वो तो मैंने अपने हाथों से छोड़ा है। पर पेट में मोबाइल रखकर कौन ऑपरेशन करता है? मैं ऑपरेशन करता है भाई, और कौन करता है? सारी गलती आपकी है। कैसे? आपको लैपटॉप से देख के ऑपरेशन करना चाहिए था। लैपटॉप पेट में रह भी जाता, आपकी कॉल तो मिस नहीं होती। आई मस्ट से, क्या चपो मैं खुद ही घूम गया। थूक लगाया वो बट चपू, तुम्हें सब माफ है क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बात की है। सोचो, तुम और हम अगर मिल जाएं तो मेडिकल साइंस कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। हॉस्पिटल आपका 2 मंजिला, उसके ऊपर क्या बनाओगे फिर आप?
डॉक्टर साहब पहले आप अपना मोबाइल मेरे पेट से निकालो, मुझे कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा बैटरी लो होगी और कुछ नहीं होगा। एक काम करो, आप अपने कितना गलत किया, एक और ऑपरेशन करो, इसके पेट में चार्जर भी डालो। चार्ज कहाँ से करेगा आपके, फिर सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं फिर से इनसे ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। अच्छा तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझे 50 रुपए दो, मैं तुम्हें छुरा मारूंगा, सारा मोबाइल बाहर आ जाएगा। अरे छुरा मार के मैं तुम मर जाऊंगा। मर जाओगे, फिर मैं 50 नहीं लूंगा, मर्डर कर मैं 20,000 लेता हूँ। एक और आइडिया मेरे पास, मैं चाकू नहीं मारूंगा, चाकू ऐसे लगाऊंगा तुम आके पेट मार देना, फिर भी मोबाइल बाहर आ जाएगा, 10 रुपए लूंगा। करवा लो 50 रुपए, आई थिंक इट्स अ गुड डील, इट्स अ गुड आइडिया। एक और आइडिया मेरे पास, भगवान के लिए तुम कोई आइडिया मत दो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं खुद जाकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर ये मोबाइल निकालूंगा। आयो बड़ा डॉक्टर। इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? अरे मेरा मोबाइल ले गया, मेरा मोबाइल ले गया। चैपो मेरे को कोई एक मोबाइल दे दो प्लीज, इसमें तो कितने तक का चाहिए? यही कोई फ्री तक का। अच्छा फ्री, ये भले फ्री तक का मोबाइल, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरे को एक चॉकलेट गिफ्ट हुई थी वो ले लो। पर चॉकलेट से कॉल कैसे लगेगी भाई? कॉल तो नहीं लगती उससे, मैसेजेस? मैसेजेस भी नहीं। अच्छा, पर किसी के पेट में छूट जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम सीधा सीधा मुझे मना क्यों नहीं कर देते? तो फिर सीधा सीधा सुन लो, मना मना की आ की मात्रा, मना मना बड़ी माँ की यात्रा। तुमने मुझे सीधा सीधा मना किया, टेढ़ा टेढ़ा करूं मना? मैंने तुम्हारे मुंह पे थूक फेंक देनी है। कैसे ऐसे? तुमने भरी सभा में मेरे मुंह पे थूक फेंका है। हाँ, मैं मशहूर गुलाटी बल छोटेलाल गुलाटी, भरी सभा में आज शपथ लेता हूँ कि मैं इसका बदला लेगा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करा देगा। क्या तू मेरी दुकान बंद करा देगा? तू संडे जानू 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 देखो देखो देखो, मैं तुम्हारा फोन रिचार्ज करवा के दे रहा हूँ ना, अगर तुमने किसी और लड़के से बातें की ना तो याद रखना अगली बार उससे रिचार्ज करवा के मुझसे बातें करनी पड़ेगी। शाचा, मैं लॉयल हूँ, बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि तुम रिचार्ज कराओ और बात किसी और से करूँ। जब मुझे राकेश से बात करनी होती है ना तो मैं उसी को बोलती हूँ रिचार्ज करने को। क्या तुम राकेश से भी रिचार्ज करवाती हो? हाँ, तुम तो सिर्फ टॉक टाइम का रिचार्ज कराते हो, वो तो डेटा का रिचार्ज कराता है, इसलिए तुम्हें सिर्फ कॉल करती हूँ और उसे मैसेज। एक मिनट, सब कुछ बंद, कॉल भी मेरी, मैसेज भी मेरा, सब मैं करवाऊंगा। भाई साहब इनका फोन फुल रिचार्ज कर दो, 20 रुपए का। 20 रुपए तुम्हारे पास? अरे वाह, जाके बड़ा पाप खाते। 20 रुपए का रिचार्ज कौन करता है, कम से कम 100 रुपए का तो कराओ। देखो भाई साहब, अपने हिसाब से मत बताओ। भाई साहब बोल के ना रिलेशनशिप मत बनाओ, मैंने कोई डिस्काउंट नहीं देना, डिस्काउंट तो वैसे देता हूँ। 20 का ये लो रिचार्ज, ये हुआ 10 और 10 20, ये लो 10 और ये 20, अभी 10 वापस दो, ये हो गया 10 का डिस्काउंट, जाओ। इसमें ये इसमें आपको 10 मैसेजेस फ्री हैं। ओह वाह, मतलब कि मैं किसी को भी 10 फ्री मैसेजेस भेज सकती हूँ? आप नहीं कर सकती, मैं आपको भेजूंगा 10 मैसेज आई लव यू के। ये मैसेज नहीं करना, ये भेजना पड़ेगा, ये क्यों? ये कोड वर्ड है, जब तक ये नहीं भेजेंगे तो चार्ज नहीं होगा, तो हमें रिचार्ज नहीं करवाना। चलो जानू। अच्छा सुनो ना जानू, अब जब हम इतनी दूर आए हैं तो प्लीज एक मोबाइल गिफ्ट कर दो ना। इतनी दूर तुम श्रीनगर आई हो? नहीं नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सुबह सुबह मैंने टिक्की खाई थी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अच्छा, खूब समझती हूँ मैं, तुम मुझे ना प्यार नहीं करते। मैं हाँ गरीब कहीं के, अगर मैंने राकेश को बोला होता ना तो रिचार्ज नहीं पूरी की पूरी मोबाइल की दुकान खरीद देता। तो बोल दो राकेश को मेरे सारे मोबाइल बिक जाएंगे, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं गिफ्ट करूंगा लेकिन तुम राकेश का नाम मत लेना, गर्लफ्रेंड मेरी है, तुम गिफ्ट क्यों करोगे? चलो मैंने किया है तुमने किया है, एक ही बात थोड़ी है। मैडम आपको एक फोन दिखाता हूँ मैं। हाँ। ये फोन लो आप, इस फोन को खरीदिए आप, इसके साथ आप लंदन भी जा सकती हैं। लंदन? हाँ। वो कैसे? इस पे फेसबुक डाउनलोड करो, उसके बाद अमीर से लड़का पटाओ, उसको बोलो लेके जाए। ओए, लंदन मैं जाऊंगा। आप भी जा सकते हैं लंदन। ये लीजिए फोन, ये वाला फोन लीजिए। हाँ? इसमें मैप है। हाँ? तो मैप है लंदन का, देखते जाओ और पैदल पैदल निकल लो। रस्ते में थोड़े वो आते हैं यार, वो रास्ते में थोड़े वो क्या गिले गिले होते हैं, जो गिले गिले समंदर समंदर आता है। हाँ। वो उसमें थाली 3 4 6
12 समंदर तैरने पड़ेंगे, ले जाओ। मुझसे इतना सा तालाब नहीं तैरा जाता, मैं समंदर कैसे तैरूंगा? तो मैडम मेरा पहले वाला आइडिया ठीक है, वही बॉयफ्रेंड वाला, वही लेके जाएगा आपको। ओहो जानू, एक मिनट भैया, आप एक काम कीजिए। भैया किसको बोला तूने? सॉरी सॉरी सर, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे मेरे को प्यार से जानू जानू कहते हैं। जानू, जानू इसको कहते हैं? किसको? वो जामुन कहते हैं इसको, जानू नहीं होता। आप ना मुझे एक ऐसा मोबाइल दिखाइए जिससे पानी में भी सेल्फी ले सकते हैं। अच्छा, पानी में सेल्फी लेनी है? ये वाला ले लो, पानी में सेल्फी। पर जब आपको नहाना हो मेरे को बुला लो, मैं आपकी फोटो लूंगा। मैंने तेरे सारे फोन तोड़ देने, मेरी कल्पना तुझे क्यों बुलाएगी? तो मेरे से क्या पूछ रहा है, उससे पूछना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम फोन लेने आएगा, मेरी बातें सुनने आए हो? फोन लो ना, मेरी बातें क्यों सुन रहे हो आप लोग? गुस्सा चढ़ी जा रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए, ये लो फोन, ये लो फोन, ये फोन आप लो, इससे आप कितनी भी फोन करो, कितनी भी बातें, कितना रिचार्ज, सब कुछ, इसमें का बिल ही नहीं आता है। वाह, तो ये पहले क्यों दिखाया? कौन सी कंपनी का है? तुम्हें ना इसीलिए हम शो में नहीं बुलाते, तुम्हारी अकल बिल्कुल जरा सी भी अकल नहीं है, बदतमीज। एक्चुअली ये फोन मैंने सिद्धू जी का चुराया, तो आप कितना भी यूज करो, आपका बिल नहीं आया, बिल सिद्धू जी का आएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें चोरी किया हुआ फोन नहीं चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप हमें एक ऐसा फोन दिखाइए जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? ओके चेक करें दो। हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है ये जो फोन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फोन है। इसमें आप जो भी ऑन करोगे सामने टीवी पे चलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मतलब यहाँ पर मैं स्विमिंग पूल ऑन करूंगा तो सामने स्विमिंग पूल बन जाएगा? घर से नहा के ना हो तो ऐसे आइडिया आते हैं। स्विमिंग पूल ऑन करोगे, स्विमिंग पूल कैसे ऑन कर सकते हो? इसमें सिर्फ लाइव टीवी प्ले होता है, वीडियो प्ले होते हैं। मतलब कैसे कैसे करके बताऊं? हाँ, टीवी रेडी 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 रेडी। टीवी कैसे बोल रहा है? मैंने बताया ना, नवीन टेक्नोलॉजी है यार, तुम समझ रहे? देखो अभी देखो, टिंग। पारो, ए पारो, पारो तुम कहाँ पारो? तुम यहाँ है तेरे पापू, तुम यहाँ है, तुम यहाँ है। चुनी बाबू, तुम पारो के कपड़े डालकर कहाँ आ गए तुम? चुनी बाबू, चुन्नी बाबू, हम आपको कहाँ से चुन्नी बाबू लगते हैं? ये चुन्नी और ये बाबू है। हम चुन्नी बाबू नहीं, हम आपके पारो हैं। मैं चपेड़ मार रही इधर। हम पारो हैं। देखो, या तो तुम सुंदर हो जाओ या फिर किसी और को पारो बनाओ, वरना हम नहीं खेलेंगे। अरे यार, ये कितना सस्ता दे बाबू है। और... मोबाइल आपने सस्ता चुना ना, अगर आप एक सेकंड पॉज करो, पॉज, देखो ये आप महंगा वाला मोबाइल ले लो। अच्छा, इसमें आप देखोगे ना तो इसमें देवदास बना हुआ है, ब्रैड पिट, और पारो जो बनी है वो है जैकी चैन है। लेकिन ये पारो इतनी मोटी क्यों है? मैडम यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज्यादा आ रहा है, देखो 6 डंडे है ना, तो ये मोटी होगी ये। और वैसे भी आप ऑनलाइन देख रहे हो ना मैडम, 1921 तो हो ही जाता है। हाँ, लेकिन ये 19500 है यार। एक मिनट मैडम, आपको ऐसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं आपको एक और चीज करता हूँ, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ, ये देखो। बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट, नॉर्मल नॉर्मल। क्या चाहिए आपको? देव बाबू आपके पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन वहाँ तो नहीं है ना। ए यार, ये तो दीवार के डायलॉग बोल रहा है। क्या बात कर रहे हैं, इधर दीवार पे क्या लिखा साफ साफ देखो, हार्ट अटैक के साथ बवासीर का इलाज मुफ्त किया जाता है, आप कैसे बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये बच्चन साहब की दीवार की बात कर रहे हैं। बच्चन साहब के घर में देखा, उनकी दीवार पे लिखा कूड़ा फेंकना मना, तुम मत जाना उधर। ये क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो इससे साउथ इंडियन फिल्म चला दो। इतनी कॉम्प्लिकेशन है तो मर क्यों नहीं जाते तुम? देवदास, यू आर अंडर अरेस्ट। देवदास, नहीं, पुलिस पहुंच चुकी है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे देव बाबू को मुझसे अलग नहीं कर सकते। नहीं, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, दोनों के बाल पकड़ के मैं पुलिस थाने घसीटते हुए लेके जाऊंगा एक साथ। एक मिनट यार, ये देवदास में पुलिस कहाँ से आ गई? देवदास ने कुछ गलत किया होगा तभी आई है, वैसे क्यों आएगी? देखो, पुलिस को कोई नहीं रोक सकता आने से, कल मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा था, उसमें भी पुलिस आई थी। यार पुलिस तो ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है लदेन आया हुआ है।
अरे पर ये देवदास में पुलिस कैसे आ गई? मुझे लगता है कोई वायर इधर उधर हो गई, मैं अंदर जाके ठीक करता हूँ टीवी में, ठीक है? कैसे आ गई, कैसे आ गई? टंकी आई है पुलिस मेरे सामने आई। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा कुछ ले देके इधर उधर हो जाओ, मेरे कस्टमर खड़े। अगर तुम शुरू में ही उस भोले वाले डॉक्टर की बात मान लेते, उसे मोबाइल दे देते, तो अब तुम्हें ये सब नहीं देखना पड़ता चपो। डॉक्टर तू? हाँ मैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ओ हीरो, ओ हेलो, तू क्यों इतना घबराया हूँ? तू तो हीरो है यार। मेरी बात सुनो, सारे टीवी से बाहर जा रहे थे। मेरी बात सुनो, इधर आके समझा, थप्पड़ जा, बाप जाएगा। बाहर आ गया, तेरे पे मेरी शक्ल लगती है हीरो जैसी। चप्पू ने पैसे दिए हैं मेरे को ये सब करने के लिए। अच्छा तभी मैं सोचूं कि देवदास दीवार का डायलॉग कैसे बोल रहा है। हमें नहीं चाहिए आपसे मोबाइल फोन। अच्छा, चलो ये बात से तुम्हें पता चला है कि ये सब गलत था? पहले आते तुम्हें पता नहीं चला? देखा चप्पू, मैंने बर्बाद कर दिया तुम्हारा मोबाइल का बिजनेस एम्पायर एक डॉक्टर ने। समझा कुछ? मतलब अब ये एक्टिंग के पैसे नहीं मिलेंगे हमें? एक्टिंग बेगम? एक्टिंग के पैसे नहीं मिलेंगे? ओ, इसका मतलब नुकसान तुम लोगों का ज्यादा हुआ है। उस हिसाब से तुम देख लो कैसे करना है, कैसे पीटना है। मैंने तो खुद 300 रुपया किराया दिया वर्दी का, मेरे ऊपर उठाने का मतलब नहीं नुकसान मेरा भी बहुत हो रहा है। बेगम पैसे तो लेने हैं हमने, और मुझे ये फोन भी नकली लग रहे हैं। मेरे पास अगर कोई आया ना तो मैंने हेलो हेलो हेलो, हमारे बैंड मेंबर्स का है। हाँ पता नहीं भाई। हेलो, एक्सक्यूज मी, बस अरे ये कौन सा रॉक हो रहा है भाई? हमारे बैंड मेंबर्स का है। बैंड मेंबर्स? जी बैड मेंबर्स कहिए उन्हें, एनर्जी थी नहीं बिल्कुल, हमने हमेशा के लिए लेटा दिया उन्हें। आप कौन है? परी हूँ मैं। परी? 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 परी हूँ मैं। न छूना। परी हूँ मैं। यहाँ पे ना तुम भी प्लेयर हो इस बैंड की में। हाँ यो गले मिला करते। और मैं ट्रम्पेट बजाती हूँ। मैं बजाती, कैसे बजाती है? मुझे तो देखकर आप समझ ही गए होंगे। I am the drumist। हाँ जी, ये लेकिन डिपेंड करता है इसने खाया क्या है। क्योंकि राजमा चावल की अपनी बीट होती है, आलू गोभी की अपनी बीट होती है। She's right। और जिस दिन मैं सिर्फ पानी पी लेती हूँ ना, उस दिन सारे रिदम पे पानी फिर जाता है। चलो कब तक बातें करते रहोगे? परफॉर्म कर लो, चलो। ठीक है, चलो चलो चलो। बात ये कि हमारे बैंड में हमें सिर्फ एक नए मेंबर की जरूरत है। क्या कहा? एक नए मेंबर की जरूरत है, सिर्फ एक। आप तीन हैं।
तो अभी आप फैसला कर लीजिए कि कौन उसमें क्या है, एक चीज होती है एल ये रहेगी ठीक है इधर एक अभी चलो चलो हाय मेरे पीछा कर रहा है ये पागल सा अब लोग झगड़ा मत कीजिए किसी को कुछ आता है सही में कि आप आम पेटी बजाएंगे और आप लोबिया हमको लो अभी अभी परफॉर्म करके बताते हैं चल जी चल जी चल फटाफट शुरू हो जा मामा गाना बजा दे एक बार फरहान और अर्जुन के लिए जोरदार तालियां वेलकम कैसे हैं आप बिल्कुल आप कैसे भाई और लंबे हो गए आप ओए तुम तीनों यहां पे क्या कर रही हो गाना एक्सपायरी डेट के पटाखों दबा ले यहां से अरे गाना तो गाया नहीं कौन सा गाना गाना हमारे बैंड का कौन सा मैं लीड सिंगर है लीड सिंगर गाना गाना था मेरे को कौन सी लीड सिंगर है आप चलिए फटाफट निकलो यहां से ड्रम लेके निकलो चलो ऐसे कौन निकालता है भाई मैं चलो एक बार फरहान और अर्जुन के लिए जोरदार तालियां सर आइए फरहान भाई आप पहली बार आए हैं आज हमारे नए शो में हाँ, आप पहली बार आए हैं जी कैसा लग रहा है आपको हमारा नया वाला बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त भाई आपको पता है रॉक ऑन के प्रोड्यूसर फरहान भाई हैं रॉक ऑन 2 अभी आ रही है उसके भी प्रोड्यूसर हैं एक्चुअली नॉर्मली जब एक फिल्म कोई हिट होती है उसका सीक्वल फटाफट आ जाता है सर आपने 8 साल क्यों लगाए लोगों को पहली वाली बहुत पसंद आई थी जी काफी बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म तो हम चाहते थे कि जब उसका दूसरा भाग बनाए तो उसी प्यार के साथ बनाए उसी इज्जत के साथ बनाए जिस तरह से हमने पहली फिल्म बनाई थी तो उसके लिए थोड़ा बहुत वक्त लगता है बिल्कुल जी और इसमें एक्चुअली ये म्यूजिकल फिल्म है तो पहली फिल्म जब इतनी बड़ी हिट हो जाती है लोगों ने बहुत प्यार दिया उस फिल्म को आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए अब वक्त है रॉक ऑन 2 के रॉक ऑन बैंड की एक और सदस्य को यहाँ पे इनवाइट करने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूँ द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड श्रद्धा कपूर ये तो अभी ऐसे लग रहा है कि सेकंड होम हो गया मेरा ना ऑफ कोर्स मैं तो कहता हूँ इधर ही कमरा ले लो फिल्म हो तो यहीं निकल जाएगा अब मेरी बारी है गुरु जी जी अब मेरी बारी हाँ प्लीज उसने हेलो बोला मेरे अंदर से टाए करके शेर निकला मौसम को सुहाना गुलों को रंगीन बना देती है मौसम को सुहाना गुलों को रंगीन बना देती है वो जब निकलती है घर से दुनिया को हसीन बना देती है वो जादू आपके चेहरे की हसीन रंगत में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर स्क्रीन बना हमारे बारे में बात तो 8 साल पहले आपने डिसाइड किया था आप सीक्वल में काम करेंगी तो जब फाइनली रॉक ऑन 2 आ रही है तो अप्रोच किसकी तरफ से होता आपकी तरफ से इनकी तरफ से जब मुझे पता चला कि ये बना रहे सीक्वल तो मैंने रितेश सिद्धवानी जो हमारे प्रोड्यूसर है उन्हें कॉल किया और उनसे पूछा कि आपकी कास्टिंग फाइनल हो गई है कि नहीं तो उन्होंने कहा कि द गर्ल हु हैज टू प्ले द पार्ट उसे खुद के गाने गाने हैं तो मेरे फिंगर्स और टोज क्रॉस थे और उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू हियर यू देन यशराज स्टूडियोज में मैं गई और फरहान भी थे वहाँ पे और एक गाने का सेशन हुआ एंड देन अब मैं रॉक ऑन 2 में हूँ तो जो आपने ऑडिशन में गाया था हम क्या सुन सकते हैं हम भी एक फिल्म बनाने फॉक ऑन अगर आपको मतलब मैंने इंग्लिश गाने गाए थे इंग्लिश गाने हाँ जी ओह रियली आई वुड लव टू मतलब उसका कहने का मतलब है उसने इंग्लिश गाने तेरे लिए तो बाउंसर ही हैं हाउ डू यू नो माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड मिस्टर सिद्धू आई नो फॉर श्योर दैट इट इज ब्रिलियंट यू नो आई वाज मिसिंग फॉर 3 डेज आई वेंट टू डू मास्टर्स इन इंग्लिश Oh, it is done in 3 days. I can understand each and everything. Can I have, please have the honor to hear the Western song sung by you? इससे पहले कि हम श्रद्धा से इंग्लिश गाना सुने, do we have rights? नहीं? हैं? नहीं गा सकते? तो फिर क्या? कुछ और सुना दो. तो फिर रॉक ऑन का ही गाना सुना. रॉक ऑन का ही सुना दो फिर श्रद्धा. बनता है, बनता है, बनता है. चलो बनता है. Wonderful, wonderful.
पाजी आपको पता सिर्फ फरहान है, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये खुद स्टोरी भी लिख देते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं और अपने एक्टर से गाने भी गवा देते हैं। असल रकम फिर कहाँ खर्च होती है, मतलब जनता जानना चाहती है। मतलब फिल्म की मार्केटिंग फिल्म की मार्केटिंग फिल्म आप दिल से बनाते हैं इसलिए आप 14 करोड़ टैक्स देते हैं। अच्छा मेरी बात भाई आपको पता है जावेद अख्तर साहब बहुत ही जहीन उर्दू जो बोलते हैं, अच्छा उनका नाम लेते हैं ना कुछ 3-4 वर्ड तो मेरे भी सही हो ही जाते हैं। बड़ी मजेदार सी लैंग्वेज, उनकी बड़ी कमांड है हर भाषा पे। हम सब ने उनको जब भी सुना है बड़े शायराना अंदाज में बोलते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कभी इतने जहीन और इतने समझदार व्यक्ति बचपन में जब आपको डांटते होंगे तो नॉर्मल जो पिता डांटते हैं वैसे डालते होंगे ऐसे की बरखुरदार आपने जो जरूरत की आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब वो मुझे डांटते थे तो मुझे लगता था कि वो कहने वाले, मैं कहता था इरशाद। फिर थोड़ी डांट पड़ती थी, मैं कहता वाह वाह। बहुत बढ़िया। शायर कलाकार लोगों का नहीं, मतलब उनका उनकी डांट में भी कला तो निकल ही आती है। अर्जुन पाजी आपकी हाइट इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, कभी ऐसा हो कभी कोई फिल्म आपके हाथ से इसलिए निकली हो कि आपकी हाइट बड़ी लंबी है और डायरेक्टर ने कहा हो कि हीरोइन आपकी नाभि तक आएगी तो हम फाइनल हो चुकी है, कभी ऐसा हुआ है हाइट की वजह से नुकसान हुआ हो? ये कैसे सोचते हो ये चीज़? अच्छा यू नो हमारे इंडस्ट्री में सारे हीरोइन छोटे ही काफी इतने लंबे नहीं और उनको वो देते हैं क्या बोलते हैं उसको वो चेंज बाटला सब उसी पे खड़े होके हम रोमांस करते थे। और एक्चुअली कभी-कभी जब शॉट्स करते हैं तो एक्टर्स को ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। हाँ वो भी किया है इस तरीके से फ्रेमिंग के लिए। फ्रेमिंग के लिए सोचो अगर पूरा आपको दिखा दिया जाए, अगर पूरा फ्रेम देखेंगे तो ऐसे कम करके हाई डालें और क्लोज अप चल रहा है हमारा। एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल फ्रेम देख लें कि हीरो ऐसे खड़ा है कि मैं ऊपर से सीरियस, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, और हीरो ऐसे बोल रही मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा, देखने में बड़ा मजा आया। शॉट आए थे अगर मजा तब आएगा जब हीरोइन लंबी होती है और एक्टर छोटा होता है। हाँ तब क्या होता है फिर, और फिर हीरोइन ऐसी खड़ी। So, फिल्म बनाना इतना इजी काम नहीं है, आप लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए, शुक्रिया। अच्छा हर कोई बाजी एक होता है कि यार मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी पुलिस में हैं या मेरे पिताजी फलाने बिजनेसमैन हैं। कभी आपने स्कूल में ऐसी कोई लाइन यूज की है, धौंस जमाई आपने किसी पे, जैसे जावेद साहब की कोई लाइन यूज करके कि हम लाइन वहीं से शुरू होती जहां खड़े होते हैं? एक्चुअली जब मैं छोटा था जो उनकी फिल्म जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी वो अगर मैं आपको बताऊंगा शायद वो नाराज हो जाएंगे, वो थी क्रांति। मुझे सबसे वो क्यों नाराज हो जाएंगे? क्योंकि मैंने इतनी फिल्में लिखी है, तुम क्रांति से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? उन्हें समझ में नहीं आता था कभी। तो मैं हर सुबह स्कूल जाने से पहले उठ के थोड़ी बहुत क्रांति में देखता था ताकि स्कूल में भी क्रांति हो, और वापस आके मैं क्रांति देखता था। तो उसमें से बहुत सारे डायलॉग थे, जैसे एक सीन था कि जो प्रेम चोपड़ा जी थे जी, तो उनका जो तकिया कलाम था वो ये था, शंभू का दिमाग तो धारी तलवार है। तो ऐसी चीजें होती थी। प्रेम चोपड़ा साहब इतने क्यूट एक्टर है ना, इतने क्यूट विलेन, मतलब मुझे वो क्यूटेस्ट विलेन लगते हैं। पर वो इतनी जल्दी एक्सप्रेशन, हर विलेन चेंज करता है जब आपके हाथ में बंदूक होती है। मतलब पहले अगर हीरो के हाथ में बंदूक आई, अरे अरे जैसे इनके हाथ में एंजॉय करके करते थे अपना। पर मुझे बहुत पसंद है प्रेम चोपड़ा। पाजी आपको श्रद्धा की मैं एक और टैलेंट बताता हूँ, ये ब्रिटिश एक्सेंट और रशियन एक्सेंट बड़ा अच्छा बोल लेती है। अच्छा मतलब मेरे हिसाब से रशियन है। हाँ बोलो बोलो, यहाँ पे कौन सा रशिया गया, कोई इधर ही है सब बोरी वाली कांदी वाली सब इधर ही है, आप मतलब किसी को समझ नहीं आएगा। मैं आपको आपके पापा का एक डायलॉग देता हूँ, आपको ब्रिटिश एक्सेंट में एक बार, एक बार रशियन एक्सेंट में। डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। My name is Crime Master Gogo. 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 I remove people's eyes and play marbles. So my name is Crime Master Gogo, and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them. Really?
ब्रिलियंट थैंक यू. पर ये श्रद्धा ने बोल दिया, शक्ति सर तो एक अलग स्टाइल से बोलते ना, वो कैसे लगता ना, क्राइम मास्टर गोगो इज माय नेम, आई विल स्नैच योर आइस एंड प्ले. रशियन 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 में रशियन. सो crime master gogo is my name and I remove the marbles from no the eyes from your eye socket and I play marbles. Nice. Russian mein main kar sakta hu. Russian mein karna main nandra sar kostra sar chotra sar. Gujarati mein mat ittu so chottu so चलो तमिल भी मुका दे खड़का दे नारकंड इन सैर कोटर राजस्थानी बोलू मारा करना इतू सर. अजी नॉर्मली क्या होता है जब आपके घर पे मेहमान आते हैं, होता ना माँ बाप बुलाते हैं बच्चों को, बेटी इधर आओ, कम अंकल को पोएम सुनाओ. बच्चों पे भी डिपेंड करता है कैसे हैं, या तो इंग्लिश बच्चे पढ़े लिखे बच्चे ना पोएम सुनाते हैं, ब्यूटीफुल स्काई. एक बच्चे होते जो आते सिर्फ ये देखने की मेहमान निकल गए तो हम समोसा चट करें. वो मेरे काइंड ऑफ बच्चे होते हैं. फरहान भाई के केस में हमने सुना कि इनका अलग था, ये खुद वेट करते थे मेहमानों की. मेहमान जब आते थे सबसे अच्छी बात ये, जैसे आपने कहा ना समोसे के लिए वेट करना जी, वो आई वाज मैं उसी तरह का बच्चा था जब मैं भी छोटा था. तो कहने का मतलब बच्चा चाहे कपिल शर्मा हो चाहे फरहान अख्तर, हाँ समोसे सबको तो, हाँ आज खाना अच्छा होगा अच्छे स्नैक्स होंगे, तो मैं उसी में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट उसी में था. तो जब पापा के साथ बहुत ज्यादा लोग आ जाते थे जी, तो फिर मम्मी कहती थी कि शायद खाना कम पड़ने वाला है क्योंकि ज्यादा मेहमान आ गए हैं. एक कोड होता था FHB के फैमिली होल्ड बैक, ठीक है. या तो ज्यादा लोग आ गए तो मम्मी आके कहती थी हमसे FHB. तो हमसे लोग नाराज बैठे वहां पर, यार सारे गेस्ट मजे ले रहे खाना वाला खा रहे हो. तो एक FHB होता था और अगर काफी खाना था सबके लिए तो आके कहती थी FTP, मतलब था फैमिली टूट पड़ो. श्रद्धा इस फिल्म में एक रॉक स्टार की तरह बिहेव कर रही है. श्रद्धा अगर मैं आपको कोई पुराना गाना एक दूं, हाँ उसको आपने कन्वर्ट करके गाना है. अरे रॉक स्टाइल में रे. अभी ये ना पहले इन्होंने दो दो रॉक ऑन किए तो पहले आप शुरू करो फरहान. दोनों साथ में क्यों नहीं करते? ओ फरहान भाई रॉक स्टाइल में करना है. रॉक स्टाइल जी, चलिए आइए. चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन मिटाए, उसे कौन मिटाए. ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा. ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा. अब हम दो भाई परदेसी के तेरा यहाँ के अरमा आंसुओं में बह गए. आ चेक चेक ओ दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. हम वफा करके भी तन्हा रह गए. दिल के अरमा आंसुओं में
बह गए दिल के अरमां आंसुओं में बह गए दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं समझोगे शायद मैं पागल हूँ सड़कों पर जोर से गाओ सब अपने अपने घर की खिड़की खोले फिर मैं ऐसे जोशीले गीत सुनाऊ मेरी गीतों को सुनकर सब ये बोले Rock on! हर लम्हा पुकारा Rock on! देखता है क्या तू Rock on! जिंदगी मिलेगी ना दोबारा रुदारी 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 दोबारा 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 ओहो क्या बात ब्रिलियंट अब वक्त है रॉक ऑन टू में फरहान अर्जुन और श्रद्धा का साथ दे रही एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा को यहाँ इनवाइट करने का आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल प्राची देसाई प्राची You're looking like a fresh orange today. Only for you. Oh, thank you for that. पता है पाजी प्राची ने अपने करियर की शुरुआत जो है टेलीविजन से की थी और उस समय 8-7-8 साल पहले जो टीवी सीरियल्स होते थे आप तो बखूबी जानते हैं सर वो 3-3 बार रिएक्शन देने का जमाना था डिश 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 करके कभी ऐसा हुआ जब आपने पहली फिल्म क्योंकि आपने तो शुरुआत ही रॉकन से की थी कि आपको फरहान को एक ही रिएक्शन देना और आपने ऐसे करके तीन दिया हाँ आई थिंक मैंने रॉक ऑन ऑलमोस्ट लूज कर दी थी फिल्म क्योंकि जब मेरा पहला यू नो स्क्रीन टेस्ट हुआ था फरहान के साथ तो हमारे डायरेक्टर अभिषेक ने हमें एक स्क्रिप्ट दी थी विच वॉज लाइक 5-6 पेजेस लॉन्ग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था फिल्म का क्योंकि पहली बार मुझे पता चला था कि इनका एक बैंड हुआ करता था तो पहली बार हम मिल रहे हैं आई डिड नॉट नो फरहान बिफोर दिस और मैं स्क्रिप्ट में देख कर वेयर डूइंग आवर लाइंस तो मैंने कहा तुम्हारा दोस्त जो नहीं आया नहीं आया नहीं आया I'm joking. मैं तो पूछता रहता हूँ फिल्म के बारे में भी आपके जो भी मेरे दिल में आता है यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप एक एक करके अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं जी अरे इतना छोटा क्वेश्चन छोटा दो नंबर का क्वेश्चन जी हेलो एवरीवन हाय हेलो कपिल मुझे इस क्वेश्चन के लिए फोन चाहिए बेटा ये डिमांड है कि धमकी है मेरा क्वेश्चन सिद्धू पाजी के लिए सिद्धू पाजी 1990 में आपको 1919 में जब विकाल यूनिस ने आउट किया था आपको कैसा लगा बेटे मुझे ऐसा लग रहा था गड्ढा खोद लूं और उसी में कूद जाऊं बहुत अच्छा लगा अरे मुझे आपका सवाल बड़ा पसंद आया क्या नाम है आपका दिया दिया थैंक यू दिया फॉर कमिंग थैंक यू सो मच जी बेटा और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब माइक ले लीजिए हेलो एवरीवन हाय श्रद्धा हाय मेरा सवाल नहीं है मैं आपके लिए जलेबी लेके आया हूँ मैंने सुना था आपको बहुत पसंद है तो आपको जलेबी पसंद है हाँ। बड़ी टेढ़ी सी डिश पसंद है आपको कहाँ से आए आप बहुत पसंद है मैं मुंबई से ही हूँ अच्छा। और मेरी माँ ने कहा था कुछ शुभ काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए कौन सा शुभ काम कर रहे हैं आप मैं श्रद्धा को प्रपोज मारने आपको क्या लगता है कि 10 रुपए की जलेबी लेके तो आप श्रद्धा को प्रपोज कर देंगे जलेबी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में तो ऐसे मतलब मैं आपके लिए 1 किलो जलेबी लेके आऊं तो मैं रिश्ता मांग सकता हूं मतलब तो मैं सोचूंगी क्या बात है आइए करिए आपको कहीं निकलना जाए रास्ते में आइए जलेबी गर्म भी है कि नहीं How
गॉड, पहले जलेबी खिला दे बेटा। आप ही खिला दो। श्रद्धा, आई रियली लव यू। थैंक यू। आओ मेरे हलवाई मार का आशिक, जलेबी खिला के प्रपोज कर। ब्रदर करते क्या हो ऐसी ऊटपटांग हरते सोचने के अलावा? जलेबी खिला के प्रपोज कर दिया। कपिल, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, पुणे में काम करता हूँ। एक काम करना, आप जब भी आपकी शादी हो ना तो स्वागरात पे अपनी बीवी को जलेबी मत खिलाना। ये पता क्या होता है कि आदमी को उस समय काफी जल्दी होती है। तो कहीं जलेबी हाथ में ना पता चले दुल्हन को चीटियां चीटियां चढ़ी हुई सुबह। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, सॉफ्टवेयर थोड़ा सॉफ्ट तरीके से रहना, ठीक है? शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त जी? मेरा सवाल अर्जुन जी से है। पहले जब आपने माइक चेक किया ना, मेरा भी सवाल अर्जुन जी से है। जी सर। तो आपका जो एक करिश्मा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बाल पूरे रॉकस्टार जैसे हैं, आपकी चाल, तो हम लोगों को भी थोड़ा सिखा दीजिए। बता दीजिए कि कैसे होते हैं। आपने किसी को इम्प्रेस करना है? मुझे तो मेरी बीवी को इम्प्रेस करना है बस। तो अभी तक इम्प्रेस हुई नहीं है? अभी तक तो नहीं हुई। कितने साल निकाल दिए साथ में? 25 साल हो गए सर। 25 साल बिना इम्प्रेस किए? बिना इम्प्रेस। अभी और क्या चाहिए सर? बीवी को इम्प्रेस करूं तो बच्चे कुछ सीख जाएं। बच्चे भी हैं आपके? अभी कह रहे हैं बीवी इम्प्रेस नहीं हुई। आ जाइए आप, आ जाइए, कुछ सिखाते हैं आपको। थैंक यू मैम। आप भी आ जाइए, आ जाइए। इम्प्रेस तो इनको ही करना है ना। और मेरे जो रियल रॉकस्टार तो यही है, फरहान लाइव, तो वो भी हमारी मदद करेंगे। अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पर सर हाँ, ये क्या हो गया? ये क्या है मतलब 25 साल बाद अपनी बीवी नहीं उठाई जा रही? अच्छा 25 साल हो गए। पर उन्होंने आपको इतनी अच्छी मॉडलिंग सिखाई, आप ऐसे चले जैसे एक जूता आपने छोटा एक बड़ा पहनना है। पर बहुत मजा आया सर आपको ऐसा करते हुए देख के। ये टोपी है आपके माइक की, इसको सर्दी ना लग जाए। अर्जुन जी, मुझे शुरू से आपका रामपाल बहुत पसंद था। मतलब मेरी ऐसी विश थी कि मैं हमेशा आपका रामपाल अपने नाम के साथ जोड़ू, लेकिन आपने जल्दी कर दी, मतलब शादी कर दी। उस टाइम पे मतलब आई वाज जस्ट अबाउट 12 इयर्स ओल्ड, लेकिन बच गए आप। ऊपर वाले की मेहर है आप पर, बच गए। मैं अपना इंट्रोडक्शन म्यूजिकली देना चाहूंगी। जी। दिस सॉन्ग इज स्पेशली फ्रॉम योर फिल्म सर, अर्जुन सर, आई एम बिग फैन। विद्यावती ढूंढे है अपना पति, कम ऑन क्लास विद मी, कम ऑन। विद्यावती ढूंढे है अपना पति, सेक्सी है मेरी अदा, जुड़े पे मरते सभी। चौथा संभालू बच्चों को मैं पढ़ा लू, पैक्सी तेरो बना लू पर डाल के। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने एक बैंड बनाया है ना, हमने भी अपना एक बैंड बनाया है। जैसे आपने अपने बैंड का नाम रखा है रॉक ऑन, उससे इंस्पायर होकर हमने अपने बैंड का नाम रखा है रॉक ऑफ। हमने अपने बैंड का नाम पहले रॉक ऑन ही रखा था, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे हमने परफॉर्मेंस शुरू की, लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो ऐसे जोर जोर से बड़े 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 रॉक फेंक रहे थे। हमने कहा कि नो नो नो, रॉक ऑफ, रॉक ऑफ।
Bumper, now you guys rock off. कपूर शर्मा, ये मुसलसल जो आप बेहुदा बेतुकी बातें किए जा रहे हैं ना, आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे बैंड के लीड सिंगर यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक बार हमारे बैंड के लीड सिंगर यहाँ पे आ गए ना, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हमारे बैंड के लीड सिंगर डॉक्टर मशहूर गुलाटे। पैसे नहीं दिए इसका मतलब ये थोड़ी अभी नीचे फेंकोगे। मैं स्टेज पे जाके आग लगा दूंगा। अब स्टेज पे आग लगाने का टाइम आ गया। 1, 2, 4 3 तेरे बाप ने बोला। I was playing with you. One, two, that. I'm checking you. 1, 2, 3, 4 Take a minute. Hello? यार तूने कहा था 3 मिनट तक आग चलेगी, ये तो थोड़ी देर में बंद होगी। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, I want my money back. इससे अच्छा तो मैं अनार लगा लेता यार। हैं? कौन सी मनी? वही मनी जो मैंने तेरे को अभी तक दी नहीं। दे मेरे। ओके ओके, I shut up. Sorry sorry. Oh, esteemed people are here from Rock and Two. Hi Fran, this is Dr. Mashur Gulati. कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? डॉक्टर बैठिए, डॉक्टर साहब बैठिए, इधर बैठिए, आराम से बात करें आप। ऐसे कैसे आराम पड़ेगा मेरे को? हैं? आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, RWBG। RWBG मतलब? दिख भी रहा है फिर भी पूछ रहे हो। डॉक्टर विद बर्निंग गिटार। आप क्या है, लगातार बातें ही बातें, बातें ही बातें किए जा रहे हैं। हम कब से वेट कर रहे हैं आपका, पता है आपको? मत कर तू मेरा वेट, तू अपना वेट चेक कर। देख श्रद्धा की तरफ, मत देख, मैं देखता हूँ। हाय श्रद्धा, आपको पता मैं आने में क्यों लेट हो गया? हमारा ना राजस्थान में शो था, वहाँ पे मैं नोट गिन रहा था, उसको गिनने में थोड़ा सा लेट। शो की पेमेंट गिन रहे थे आप? यस यस। 12 रुपए गिनने में कौन सा टाइम लगता है आपको? इससे ज्यादा कभी टिकट बिकी आपकी? टिकट पे हमारा शो था ही नहीं यार, हमने तो ना राजस्थान में रखा हुआ था, बहुत गर्मी थी वहाँ पे शो में। ओ तो पानी की बोतल 800-800 में बिक रही थी वहाँ पे, और वो खाली बोतल तो 2000 में बिक रही थी, आपको पता नहीं, क्योंकि आसपास कोई टॉयलेट नहीं थी ना। मिस्टर गुलाटी, ये तो आप दिए को रोशनी दिखाने वाली बात कर रहे हैं, मतलब पार्टी क्या करनी, लेट्स शो देम। तो दिवाली खत्म हो गई, आपने दिया ऊपर क्यों रखा हुआ? इट्स नॉट दिया, it's lollipop. वैसे by the way, lollipop किसने लगाया? उसकी it was a gift. Yeah, yeah, you can have it and you can taste it like this. बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी है, मैंने टेस्ट करके रखी है ऊपर। So ladies and gentlemen, presenting this song in front of you. गुलाटी!
तुमने मेरे जान कर ले लेनी है चीयर कर करके मत करना है अच्छा सपोर्ट कर रही हूँ बस आप गुलाटी दिल नहीं करता मेरा रोज नहाने को दिल नहीं करता मेरा रोज नहाने को ना तुम मुझको फोर्स करो बॉडी ऑर्डर से डरने की जरूरत नहीं है नाक ऐसे पक के हग करो ठोको कैसी हो मोहतरमा ठोको This is a Kapil Sharma show ठोको सिंधु जी का है इशारा ठोको ये टमाटर किसने है मारा ठोको रोको एक मिनट यार ये टमाटर कौन मार रहा है यहाँ पे सब्जियाँ कैसे आ गई भाई सब्जियाँ कैसे आ गई यहाँ पे सब्जियाँ सब्जियाँ कैसे आ गई यहाँ पे हमने दिए डॉक्टर साहब हमने दिए वो तो पत्थर लाने वाले थे हमने कहा नहीं थोड़ा जिंदा छोड़ दो उनको ये शो भी फ्लॉप हो गया हमने तो सिटी केबल वालों से पैसे लिए थे अब क्या करेंगे और सिटी केबल के लिए तो प्रोग्राम करना है वो भी डांडिया का प्रोग्राम है यहाँ पर लोग इतनी सब्जियाँ फेंक रहे हैं डांडिया के प्रोग्राम में तो सबके हाथ में अच्छे अच्छे डंडे होंगे वो अगर फेंक डोंट वरी आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम मिस्टर Mr. Farhan Akhtar, as a doctor, I would request to please come here, please. Now you see our position, yeah? Now, please, may I be a doctor? I may be challenging, yeah. Iske do mote mote pet hain, please. I may be challenging, yeah. Hamare listen to program kar dijiye. Dandiya banal logon ne meri aankh mein maar diya. Main aapke saath. आप मेरे साथ आप परफॉर्म करेंगे मैंने कहा था ना कर रहे चलिए सेटअप ले आइए तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई इस खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है दिल और जेब थाम के बैठिए क्योंकि यहाँ भीड़ में कुछ जेब कतरे भी हैं और इस जबरदस्त शो का स्पॉन्सर है मच्छरदानी टी शर्ट जिसकी ऐड करेंगे इंडिया के मशहूर सुपर मॉडल अर्जुन रामपाल देखिए पार्टी हो या जंगल मच्छरों से करे दंगल मच्छरदानी टी शर्ट तो लेडीज एंड जेंटलमैन शुरू करते हैं आज का एंटरटेनमेंट वेलकम Our band, Rock Off. दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं? तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ. दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा रॉक ऑन हर लम्हा पुकारा रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू जिंदगी मिलेगी ना दोबारा रोके रुकना नहीं दोगे रंग में आगे झुकना नहीं उठो और दौड़ डालो रोटी तो कमाने जाए तुमको खजाने जाए तुमको हमारे जाए तुमको हे जरूरी कमाने जाए तुमको खजाने जाए तुमको हमारे जाए तुमको हे
है, जोरदार तालियां। We will take a selfie together. Come. Oh yeah, I love selfies somehow. Thank you. तो आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठिए, एंजॉय करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करें अपने आसपास सफाई रखें। आओ मिलजुल कर हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएं और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।